हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर 6090 में। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो हमारी बीए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस, जो हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, शायद हमारे अप्रैल से लास्ट इंड या मई में स्टार्ट होने वाले हैं। तो उन पे जो हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बीए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बीए सेकंड ईयर का हम लोग का जो पेपर आने वाला है वो हम लोग को आएगा लिखित, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बीए फर्स्ट ईयर में हम लोग का क्वेश्चन ऑप्शनल आया था, लेकिन सेकेंड ईयर में हम लोग का लिखित देना होगा। तो दोस्तों, हमारे यह वीडियो, इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो आए फ्रेंड्स, टाइम को न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिए, क्योंकि अभी हम आपको क्वेश्चन समझाने लगेंगे तो आप हमारी भावनाओं में खो जाएंगे। तो आए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा है, कार्ल मार्क्स के वर्ग सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। संसार में देखिए प्रत्येक युग देशों में किसी न किसी प्रकार का सामाजिक संस्तरण पाया जाता है। शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और आर्थिक दृष्टि से व्यक्तियों में हो जाना नितांत स्वाभाविक है। मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या करते हुए कहा है कि साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर अन्य सभी व्यवस्थाओं में वर्ग किसी न किसी रूप से पाए जाते हैं। उसने लिखा है कि आदिम साम्यवादी युग में किसी प्रकार के वर्ग नहीं थे, सभी व्यक्ति समान आकांक्षाओं में आवश्यकताओं से प्रेरित थे। इन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति समान कार्यों का संपादन करता है। इसके बाद दासत्व, सामंत और पूंजीपति युगों में निरंतर वर्ग बने रहे। इस वर्ग में स्वार्थ भेद के कारण निरंतर संघर्ष होते रहे। इन संकट को समाप्त करने के लिए मार्क्स ने वर्गहीन समाज की स्थापना की। उनका कहना कि वर्ग संघर्ष के द्वारा ही वर्गहीन समाज की स्थापना की जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपने जिन बच्चों ने अभी चैनल को लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक कर दें। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दूसरे लिखा है वर्ग संघर्ष। देखिए, अब इन्होंने कार्ल मार्क्स जो हमारे थे, इन्होंने कुछ बात बताई है। कार्ल मार्क्स जिन्होंने इन्होंने क्या बताई है, जान लेते हैं। देखिए, इन्होंने बताया वर्ग संघर्ष। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को अनिवार्य माना। जो हमारे कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने कहा है कि वर्ग संघर्ष को एक अनिवार्य अंग माना है। उनके अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में यह संघर्ष और भी स्पष्ट होकर सामने आता है। देखिए, कार्ल मार्क्स ने कहा है कि वर्ग संघर्ष को अनिवार्य माना है, और कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में जो यह वर्ग संघर्ष है और भी स्पष्ट होकर सामने आता है। जो बड़े लोग हैं उनमें यह वर्ग संघर्ष जो है और भी क्लियर सामने आता है। कार्ल मार्क्स ने लिखा है, अभी तक के सभी स्थापित समाजों का इतिहास वर्गों का इतिहास है। कार्ल मार्क्स ने खुद ही अपने शब्दों में देखिए क्या लिखा हुआ, जान लेते हैं। देखिए, इन्होंने क्या लिखा है, अभी तक के जो समाजों का इतिहास हुआ है वो सभी वर्ग संघर्षों का इतिहास है। दासों की स्वतंत्र व्यक्तियों से साधारण जनता के कुलीनों से, कृषि श्रमिकों का भूमिपतियों से, वेतन भोगियों का श्रेणीपतियों से, पीड़ितों का पीड़ितों से विरोध तथा अनवर संघर्ष चलता रहा है। कभी यह प्रकट रूप में तो कभी यह अप्रकट रूप में चला है। इससे देखिए स्पष्ट होता है कि इतिहास में पाए जाने वाले विभिन्न वर्ग अपने स्वार्थों की पूर्ति और हितों के संरक्षण के लिए दूसरे वर्ग से संघर्ष करते आए हैं। देखिए, इन बातों से हमको क्लियर हुआ है कि इतिहास में पाए जाने वाले विभिन्न वर्ग, विभिन्न कैटेगरी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए संघर्ष, देखिए हमारा चलता रहेगा, हितों के संरक्षण के लिए, अपने लाभ की भावना के लिए, है ना, दूसरों से हमेशा कंपटीशन की भावना रखते हैं आजकल के युग। संघर्षों का यह स्वरूप किसी भी प्रकार का हो सकता है। जो उन्होंने बताया कि संघर्षों का जो स्वरूप है वह किसी भी प्रकार का हो सकता है। मार्क्स ने संघर्षों को वर्ग संघर्ष का नाम दिया। जो संघर्ष हो रहा है दूसरे से, हम लोग स्वार्थ के लिए झगड़ा कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो संघर्षों का जो ये सब मामला है वो कार्ल मार्क्स ने इस संघर्ष को वर्ग संघर्ष का नाम दिया है। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष का कारण सिर्फ चेतना का विकास होना है। मार्क्स के अनुसार है वर्ग संघर्ष का कारण
सिर्फ चेतना का हमारे शरीर में विद्यमान चेतना को उत्पन्न करना है। जब इनमें इस प्रकार की जानकारी हो जाती है कि हमारा शोषण हो रहा है, जब जनता को यह मालूम हो जाता है कि हमारा शोषण हो रहा है, तो इस शोषण से बचने के लिए उन्हें संघर्ष के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखाई देता। हमारी पब्लिक होती है कि अगर वो मालूम हो जाती है, उसको प्रतीत हो जाता कि इससे हमको ये शोषण कर रहा है, हमको ये चूस रहा है, हमको नुकसान पहुँचा रहा है, तो मनुष्य करता है वो संघर्ष के अलावा उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। जैसा कि पूंजीवादी व्यवस्था ने शोषक और शोषित के बीच दूरी बढ़ा दिया है, जिसके फलस्वरूप समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया है। देखिए लिखा है, पूंजीवादी व्यवस्था जो पैसे वाले भैया ने हैं, पैसे पूंजीवादी व्यवस्था ने शोषक और शोषित के बीच की दूरी का बढ़ा दिया। शोषक जो मतलब शोषक करता है, शोषक और शोषित, ये शोषक जो होता है वो बड़ा होता है, और शोषित जो होता है जो मतलब जैसे अब हमारे जमींदार हैं, तो हम लोग अगर लेबर हैं, तो लेबर जो बोलता है उसको बोलता है शोषित, और शोषक में जो मतलब खींचता है पावर, तो जमींदार हो जाएगा। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। इसके फलस्वरूप समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हजारों मजदूर एक स्थान पर एकत्र होते हैं और साथ साथ कार्य करते हैं। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हजारों मजदूर एक स्थान पर कलेक्ट होते हैं और साथ साथ कार्य करते हैं, और अब वे एक दूसरे के दुख दर्द और मुसीबतों में भी सम्मिलित होते हैं, जिससे उनमें वर्ग चेतना विकसित होती है, और इस वर्ग चेतना के परिणाम स्वरूप वर्ग संघर्ष जो हमारा अनिवार्य हो जाता है। देखिए इन्होंने इस वीडियो में यह भी कार्ल मार्क्स ने बताया कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति के जो बाद हजारों मजदूर जो एक स्थान पर कलेक्ट होते हैं और साथ साथ कार्य करते हैं, तो जो साथ साथ कार्य करते हैं, इनसे हम लोग उनके अंदर वर्ग चेतना विकास होती है, और जैसे ही वर्ग चेतना विकास होगी, उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, देखिए वर्ग संघर्ष जो हमारा अनिवार्य हो जाएगा। आइए और कुछ जान लेते हैं, कुछ खास बातें। जैसे लिखा है, वर्ग संघर्ष और सामाजिक प्रगति। मार्क्स का विचार कि यदि समाज में वर्ग संघर्ष नहीं होगा, यदि समाज में स्ट्रगल नहीं होगा, तो समाज की प्रगति भी नहीं होगी। एकदम राइट बोला है। देखिए हम लोग में अगर किसी को देखकर अगर हमारे अंदर कोई भावना नहीं है, इच्छा नहीं है, अभाव नहीं है, अगर हम कोई से मतलब नहीं रखते, तो हम लोग प्रगतिशील नहीं हो पाएंगे। देखिए ये कंपटीशन की भावना ही हम लोगों को अन्य व्यक्तियों से आगे की ओर ले जाती है। मार्क्स का विचार कि यदि समाज में वर्ग संघर्ष नहीं होगा, तो समाज की प्रगति भी नहीं होगी। मार्क्स के अनुसार समाज एक परिवर्तनशील व्यवस्था है। इस व्यवस्था में वर्गों का होना अनिवार्य है, क्योंकि परिवर्तनशील व्यवस्था, तो इसमें वर्ग का भी होना अनिवार्य है। सामाजिक परिवर्तन के साथ ही साथ वर्ग बनते बिगड़ते हैं। सामाजिक, जिसे मैंने बताया आपको अभी, कि मार्क्स के अनुसार समाज एक परिवर्तनशील व्यवस्था है तो सामाजिक परिवर्तन के साथ ही वर्ग बनते और बिगड़ते रहते हैं। द्वंद्वात्मक सिद्धांत के द्वारा वर्ग उत्पन्न हो जाते हैं, और उन्हें उनके संघर्ष के कारण उनका विकास होता रहता है। जब समाज में एक मुख्य वर्ग उत्पन्न होता है, जो सारी सत्ता उसमें केंद्रित होती है, सत्ता और शक्ति के केंद्र का परिणाम स्वरूप यह वर्ग निरंतर ऐसे काम करता है, जिससे इसके प्रति होती है दूसरे वर्ग के प्रति प्रगति के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। सत्ता निहित वर्ग समाज में विद्यमान दूसरे वर्ग का हित नहीं कर सकता। यह समाज के अन्य वर्ग उपेक्षित हो जाते हैं, उनमें चेतना विकसित हो जाती है। ये उपेक्षित वर्ग भी शक्तिशाली होने लगते हैं, और धीरे धीरे इनमें भी शक्ति का केंद्रीकरण होने लगता है। शक्ति के इस केंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप यह उपेक्षित वर्ग मौका पाकर शक्तिशाली वर्ग को परास्त कर देता है। शक्तिशाली वर्ग के पराजय के बाद समाज में नई व्यवस्था विकसित होती है। इस प्रकार वर्ग संघर्ष समाज को प्रगति की ओर ले जाता है। देखिए इन्होंने बताया है कि वर्ग संघर्ष और समाज प्रगति, अगर वर्ग संघर्ष नहीं होगा, तो हमारा समाज जो है, जो हमारा सोसाइटी, वो हमारा प्रोग्रेस नहीं हो सकता। देखिए इन्होंने फर्स्ट लाइन में दोबारा में बता दूँ आपको उन्होंने क्या समझाया है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है, तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब और बगल में लगी बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो उसी तरह और प्राप्त हो सके। लिखा है, वर्ग संघर्ष और सामाजिक प्रगति। मार्क्स का विचार कि यदि समाज में संघर्ष नहीं होगा, तो समाज की प्रगति नहीं होगी। मार्क्स के अनुसार समाज एक परिवर्तनशील व्यवस्था है।
इस व्यवस्था में वर्गों का होना अनिवार्य है। सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ वर्ग बनते बिगड़ते हैं। द्वंद्वात्मक सिद्धांत के द्वारा वर्ग उत्पन्न हो जाते हैं। द्वंद्वात्मक सिद्धांत के द्वारा वर्ग उत्पन्न होते हैं और तथा उनका संघर्ष के कारण उनमें विकास होता रहता है। जब समाज में जब समाज में मुख्य वर्ग उत्पन्न होता तो सारी सत्ता उसी में हो जाती है। सत्ता और शक्ति के केंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप यह वर्ग निरंतर ऐसे काम कर देता है जिससे इसकी प्रगति होती है और दूसरे वर्ग के प्रति प्रगति के मामले में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। सत्ता निहित वर्ग समाज में विद्यमान दूसरे वर्ग का हित नहीं कर सकता। मतलब कि एक जिसे गांव में प्रधान होता है वो दूसरे को प्रधान काहे बने दिए, बताओ। किसी दूसरे को प्रधान बनने नहीं देगा अगर वो चाहे कि हम ही बार बार प्रधान बने, किसी और प्रधान न बन पाए। वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है। समाज में अन्य वर्ग उपेक्षित हो जाते हैं तो उनमें चेतना विकसित हो जाती है। जब समाज के उनको देखकर अन्य वर्ग उपेक्षित बुराई कर हो जाते हैं तो उनमें चेतना मनुष्य के अंदर धारणा हो जाती है कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब मैं भी करूँगा। ये उपेक्षित वर्ग भी सरसाई होने लगते हैं। और धीरे धीरे इनमें भी शक्ति का केंद्रीकरण होने लगता है। शक्ति के इस केंद्रीकरण परिणाम स्वरूप यह उपेक्षित वर्ग मौका पाकर सरसाई वर्ग को परास्त कर देते हैं। बहुत सही बताया इन्होंने भैया हमारे। सरसाई वर्ग के पराजय के बाद समाज में नई व्यवस्था विकसित होती है। इस प्रकार वर्ग संघर्ष समाज की ओर प्रगति ले जाता है। आइए समझ लेते हैं कि वर्ग संघर्ष का उद्देश्य क्या है। मास्टर प्रतिपादी वर्ग सिद्धांत के उद्देश्य को दो भागों में बांटा गया। वर्ग संघर्ष का हमारा एम क्यों रखा गया, देखिए इसमें हमारे बताया जा रहा है कि वर्ग संघर्ष का हमारा एम क्यों रखा गया है ना। ये वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा थी वो क्यों रखा गया। वर्ग संघर्ष का उद्देश्य मार्क्सवादी परिवादी वर्ग के सिद्धांत को उद्देश्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। जो हमारा वर्ग संघर्ष का उद्देश्य जान लेते हैं। वर्ग देखिए लिखा है यहाँ पे वर्ग संघर्ष का उद्देश्य मार्क्सवादी परिवादी वर्ग के सिद्धांत को उद्देश्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। राजविहीन समाज का निर्माण और वर्गविहीन समाज की स्थापना। राजविहीन समाज का निर्णय और वर्गविहीन समाज की स्थापना। मार्क्स के अनुसार राज किसी विशिष्ट वर्ग पर आधारित होता है और इसलिए वह विशेष रूप वर्ग के कल्याण के लिए ही कार्य करता है। उदाहरण के लिए पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य पूंजीपतियों के हाथ तक खिलौना होता है और जिन कार्यों का संपादन करता है उन्हें पूंजीपतियों को लाभ होता है। समाज में वर्ग के अभाव में राज की आवश्यकता नहीं रहेगी। समाज के संपूर्ण सदस्य व्यक्तियों के हाथ में रहेगी। इस तरह सभी व्यक्तियों को लाभ होगा। मार्क्स के अनुसार वर्ग और राज व्यक्ति की प्रगति की सबसे बड़ी बाधा है। किसी भी समाज में जब तक राज्य और वर्गों से रहेगा समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकेगा और वहाँ रहने वाली जनता को भी कभी भी न्याय और संरक्षण नहीं मिलेगा। इसलिए उसमें सामाजिक न्याय और समानता की दृष्टि से वर्ग सिद्धांत संघर्ष के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। मार्क्स के अनुसार जब किसी भी समाज में एक वर्ग पैदा होता है तो उस समाज में वर्ग का प्रतिद्वंद्वी दूसरा वर्ग पैदा हो जाता है
मार्ग के अनुसार जब किसी समाज में एक कंपटीशन पैदा होगा तो उसको देखते हुए उसी समाज में दूसरा कंपटीशन हमारा प्रतिद्वंदी, उसको बोलते हैं कंपटीशन, दूसरा ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है। इन दोनों वर्गों में स्वार्थ भेद होता है और इस स्वार्थ भेद, देखिए हम लोग कुछ पाने की इच्छा होती है तो इसको बोलते हैं स्वार्थ। इस स्वार्थ भेद के परिणामस्वरूप संघर्ष अनिवार्य हो जाता है और किंतु यह संघर्ष अधिक दिनों तक स्थायी नहीं रहता, कालांतर में इस बाद में इन दोनों वर्गों में समन्वय स्थापित हो जाता है। मार्ग के अनुसार यह जब समय को समय बाद स्वयं में एक वर्ग का रूप धारण कर लेता है और पुनः प्रतिद्वंदी वर्गों को जन्म देकर संघर्ष प्रक्रिया को आगे बढ़ाता जाता है। इस प्रकार मार्ग के अनुसार वाद प्रतिवादी संवाद के द्वारा समाज में निरंतर वर्ग बनते रहते हैं और इनमें निरंतर संघर्ष होता रहता है। इसलिए मार्क्स ने वर्ग विहीन समाज की कल्पना की। जो हमारे काल मार्क्स अगर कोई तुमसे पूछ ले कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना किसने की है, तो वर्ग विहीन समाज की स्थापना हमारे काल मार्क्स ने की है। आइए दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। राजविहीन समाज का निर्माण, समाज में अगर राज्य होगा, व्यक्ति हो, राज्य और वर्ग, ये हमारे प्रगति में बाधक हैं। ये लिखा है मार्ग के अनुसार। मार्ग के अनुसार राज्य किसी विशिष्ट वर्ग पर आधारित होता है, राज्य के किसी विशिष्ट वर्ग पर आधारित होता है, इसलिए वह विशिष्ट वर्ग के कल्याण पर ही के लिए ही कार्य करता है। उदाहरण के लिए पूंजीवाद व्यवस्था में, एग्जाम्पल के लिए पूंजीवाद व्यवस्था में राज्य पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना होता है। और वह जिन कार्यों का संपादन करता है उनसे पूंजीपतियों को लाभ होता है। वही सीधी सी बात है, पूंजीपति हमेशा किसको सपोर्ट करेगा, पूंजीपति को सपोर्ट करेगा ना, पूंजीपति हमेशा मध्यम वर्ग को सपोर्ट नहीं कर सकता। वो यहाँ पर उदाहरण के लिए लिखने ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं, उदाहरण के लिए पूंजीवाद व्यवस्था में राज्य पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना होता है। उदाहरण के लिए पूंजीवाद व्यवस्था में राज्य पूंजीवाद के हाथ खिलौना होता है और वह जिन कार्यों का संपादन करता है उनसे पूंजीपतियों को लाभ होता है। समाज में वर्ग के अभाव में राज्य की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर जब वर्ग नहीं रहेगा तो राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। देखिएगा हम लोग ही जनसंख्याओं का बहुत समूह मिलकर ही राज्य की निर्माण करता है। जब राज्य होगा तो समाज बनेगा, जनता से समाज, समाज से राज बनता है ना। वही लिखा है यहाँ पे कि समाज में अगर वर्ग के अभाव में राज्य की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। समाज की संपूर्ण सत्ता सभी व्यक्तियों के हाथों में रहेगी। अगर रहेगी तो समाज की जो संपूर्ण सत्ता है सभी व्यक्तियों के हाथ में रहती है, इस तरह सभी व्यक्तियों को लाभ होगा। अगर वो रहेगी भी तो सभी व्यक्तियों के हाथ में रहेगी, तो इससे हमारे सभी व्यक्तियों को भी लाभ होगा। आई होप कि आप सब समझ रहे होंगे। मार्क्स के अनुसार वर्ग और राज्य व्यक्ति के प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। मार्क्स के अनुसार जो वर्ग और राज्य हैं, वर्ग और राज्य व्यक्ति की प्रोग्रेस में सबसे बड़ी रुकावट है। किसी भी समाज में जब तक राज्य और वर्गों का अस्तित्व रहेगा, वह समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकेगा तथा वहाँ रहने वाली जनता को भी कभी भी न्याय और संरक्षण नहीं मिलेगा। इसलिए उसने सामाजिक न्याय और समानता की दृढ़ से वर्ग संघन के सिद्धांत को प्रतिपादन किया है। लिखा है मार्क्स के अनुसार वर्ग और राज्य व्यक्ति की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। किसी भी समाज में जब तक राज्य और वर्गों का अस्तित्व रहेगा, तब तक समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता।
तथा वहां रहने वाली जनता को भी कभी भी न्याय और संरक्षण नहीं मिलेगा। इसलिए उसने सामाजिक न्याय और समानता की दृढ़ से वर्ष संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मार्क्स के अनुसार जब किसी भी समाज में एक वर्ग पैदा होता है तो उसी समाज में उस वर्ग का प्रतिद्वंदी दूसरा वर्ग पैदा हो जाता है। इन दोनों वर्गों में स्वार्थ भेद होता है और इस स्वार्थ भेद के परिणामस्वरूप संघर्ष अनिवार्य हो जाता है, किंतु यह संघर्ष अधिक दिन तो स्थायी नहीं रहता। कालांतर में इन दोनों वर्गों में समन्वय स्थापित हो जाता है और मार्क्स के अनुसार समन्वय कुछ समय बाद स्वयं में एक वर्ग का रूप धारण कर लेता है और पुनः प्रतिद्वंदी वर्गों को जन्म देकर संघर्ष प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार वाद प्रतिवाद संवाद के द्वारा वाद विवाद प्रतिवाद संवाद के द्वारा समाज में निरंतर वर्ग बनते रहते हैं और उनमें निरंतर संघर्ष होता रहता है। इसलिए मार्क्स ने वर्ग विहीन समाज की स्थापना की है। आगे पढ़ लेते हैं आधुनिक वर्ग संघर्ष। लिखा है आधुनिक वर्ग संघर्ष क्या है। देखिए औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का उदय हुआ। क्या समझो बाबूजी? हम ये कह रहे हैं औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का उदय हुआ। पूंजीवाद व्यवस्था में उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। इसका उत्पादन का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। पूंजीपति श्रमिकों को शोषण करने लगता है। इस अवस्था में एकाधिकार को प्रोत्साहन मिलता है। इस एकाधिकार के प्रयोग के कारण पूंजीपतियों के बीच सर्वोच्च स्पर्धा होती है। इस सर्वोच्च प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप छोटे छोटे पूंजीपति समाप्त होने लगते हैं और फैक्ट्रियों में अधिक संख्या में मजदूरों के कारण होने के परिणाम से उनमें परिच्छेदना उत्पन्न हो जाती है और समाज दो वर्गों में डिवाइड हो जाता है। मार्क्स ने लिखा है कि संपूर्ण समाज अधिकाधिक दो महान विरोधी समूह में विभाजित हो रहा है। एक दूसरे का प्रतिरोध करते हुए बुर्जुआ और सर्वहारा दो महान वर्गों में। जब पूंजीपति अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुँच जाता है तो इसमें अनेक आंतरिक असंगतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। आंतरिक असंगतियों के फलस्वरूप पूंजीपति मजदूरों की उपेक्षा करके अधिक से अधिक धन कमाने में जुड़ जाते हैं। इसका फल यह होता है कि पूंजीपति द्वारा किए गए कुकृत्य उन्हीं की कब्र खोदते हैं। इन संघर्ष और क्रांति को प्रोत्साहन मिलता है। जब पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के बीच संघर्ष होगा तो इस संघर्ष में सर्वहारा वर्ग की विजय सुनिश्चित होती है। जब पूंजीपति मजदूरों का खून चूसने में व्यस्त होते हैं तो मजदूर वर्ग को विवश होकर क्रांति और संघर्ष का सहारा लेना पड़ता है। मार्क्स ने लिखा है कि यदि पूंजीपतियों के हाथ से सत्ता छीनना तो इसके लिए मजदूर वर्ग को सशस्त्र खूनी क्रांति करना अनिवार्य है। उसने इतिहास का हवाला देते हुए लिखा कि कभी भी किसी शासक वर्ग से बिना संघर्ष किए सत्ता नहीं छोड़ी है। देखिए इसका इतिहास का हवाला देते हुए लिखा है कि उसने इतिहास का हवाला देते हुए लिखा कि कभी भी किसी शासक वर्ग से बिना संघर्ष किए सत्ता नहीं छोड़ी है। इसलिए मार्क्स का आह्वान कि मजदूर वर्ग एक हो संघर्ष करो सत्ता छीनो, इसी में तुम्हारे समाज और तुम्हारे भलाई में निहित है। वह खुलेआम क्रांति की घोषणा करते हुए लिखता है वे खुले रूप से घोषणा करता है कि उनके लक्ष्य की प्राप्ति केवल वर्तमान समय सामाजिक दशाओं के शक्तिपूर्ण विनाश के द्वारा ही हो सकती है। सर्वहारा अपनी दासता की जंजीरों के अतिरिक्त कुछ नहीं खाएंगे। उनके जीतने के लिए संसार पड़ा है, खतरना पड़ा है वे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। ये लग रहा इस बार आ ही जाएगा। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना।
मार्क्स ने वर्ग सिद्धांत वर्ग मार्क्स के वर्ग संगठन के सिद्धांत की निम्नलिखित आधार पर कटु आलोचना की गई है। पूंजीवाद के विकास के साथ मध्यम वर्ग की संख्या में वृद्धि होगी। पूंजीवाद के विकास के साथ ओम नमः शिवाय। पूंजीवाद के विकास के साथ मध्यम वर्ग की संख्या में वृद्धि हुई, जबकि मार्क्स ने सिद्धांत में कहा पूंजीवाद व्यवस्था में पूंजी के निकट के कारण निम्न मध्यम वर्ग का अंत होता जाएगा और श्रमिकों की संख्या बढ़ती जाएगी। कि इस धारणा की आलोचना की जाती है क्योंकि यह सही नहीं उत्तरी है। वास्तविकता यह है कि पूंजीवाद के विकास के साथ साथ मध्यम वर्ग संख्या में वृद्धि हुई। देखिए उन्होंने क्या बताया, पूंजीवाद के विकास के साथ मध्यम वर्ग की संख्या में वृद्धि हुई। जबकि मार्क्स ने सिद्धांत में कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजी के केंद्रीकरण के कारण निम्न मध्यम वर्ग का अंत होता जाएगा तथा श्रमिकों की संख्या बढ़ती जाएगी। उसकी इस धारणा की आलोचना की जाती है, मतलब बुराई की जाती है, गलत बात है क्योंकि यह सही नहीं है। वास्तव यह है कि पूंजीवाद के विकास के साथ साथ मध्यम वर्ग संख्या में वृद्धि हुई। मानव जाति का विकास सर्वश्रेष्ठ गुणों के कारण होता है। जबकि मार्क्स ने प्रतिपादन करते हुए कहा मनुष्य के अन्य गुणों सहयोग सामंजस्य त्याग और सहानुभूति आदि की उपेक्षा की है। उसने वर्ग संघर्ष को विकास का कारण माना है, जबकि मानव जाति का विकास उसका सर्वश्रेष्ठ गुणों के कारण हुआ है। मध्यम और छोटे पूंजीपतियों का अंत होगा, क्योंकि मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि पूंजीवादी व्यवस्था की जो उत्पादन विधि है उसमें पूंजी कुछ थोड़े व्यक्तियों के हाथों में केंद्र हो जाएगी और अनंत अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट ऑफ कल्चर बन जाएंगे। वर्तमान स्थिति इससे भिन्न है। बड़े पूंजीपतियों के साथ साथ छोटे पूंजी मध्यम वर्ग के लोग भी हैं जिनमें हाथ में पूंजी का कोई अंश पड़ा है। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को घृणित हानिकारक तथा विनाशकारी बताकर भी कटु आलोचना की जाती है। मार्क्स ने सभी कालों में समाज को केवल दो भागों में बांटा है। जबकि समाजशास्त्रीय दृष्टि या भूरता गलत है। स्वयं पूंजीवादी व्यवस्था में भी केवल दो ही वर्ग नहीं होते। यह सिद्धांत प्रभावशाली मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग की पूर्णता उपेक्षित करता है। मार्क्स ने सभी कालों में समाज को केवल दो भागों में बांटा जबकि समाजशास्त्रीय दृष्टि या पूर्णता गलत है। स्वयं पूंजीवादी व्यवस्था में भी केवल दो ही वर्ग नहीं होते। यह सिद्धांत प्रभावशाली मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की उपेक्षा करता है। इस सिद्धांत में कहा गया कि पूंजीवादी के विकास के साथ साथ श्रमिकों की स्थिति दिन प्रतिदिन इस सिद्धांत में कहा गया कि पूंजीवाद के विकास के साथ श्रमिकों की स्थिति दिन प्रतिदिन हीन होती जाएगी। पर लोक कल्याणकारी सिद्धांत कार्य दिन प्रतिदिन तेजी से सुधार होता जा रहा है। मार्क्स ने संघर्ष केवल शोषक और शोषित वर्गों के बीच ही देखा, जबकि स्वतः शोषक या शोषित वर्ग के भीतर भी प्रत्येक काल में संघर्ष रहा है। उसकी धारणा भी गलत थी कि समस्त संघर्षों का स्रोत वर्ग संघर्ष है, चाहे वो व्यवस्था हो या वर्गीय समाज के हितों के बीच संघर्ष का अंत नहीं होगा। वह श्रमिकों के बीच स्वाभाविक एकता की बात करता है जबकि अभी तक वह वास्तविक रूप से नहीं पाई है। क्वेश्चन नंबर 10, पूंजीवादी वर्ग पर अंततः श्रमिक वर्ग की विजय होगी और सर्वहारा वर्ग के अधीनता की स्थापना होगी। इस धारणा की भी इस आधार पर आलोचना की जाती है कि यह वैज्ञानिक नहीं है। यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि पूंजीवादी के अंत में बाद समाजवाद की ही स्थापना होगी। हो सकता है कि एक ऐसे नियम या व्यवस्था का जन्म हो जिसमें न पूंजीपति हो ना ही श्रमिक वर्ग हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक सो मच।